चलिए शुरुआत करते हैं। डेबिट और क्रेडिट, इस पर आधारित है पूरी की पूरी अकाउंटिंग। और डेबिट और क्रेडिट करने के दो नियम होते हैं, और वो दो जो नियम होते हैं उनमें से किसी भी नियम से आप अकाउंटिंग कर सकते हो या उसमें एंट्रीज कर सकते हो। पहला जो नियम होता है वो होता है अकाउंट्स के आधार पे। किसके आधार पे? अकाउंट्स के आधार पे डेबिट और क्रेडिट किसे करते हैं, ठीक है? पहला रूल किसके आधार पे होता है? अकाउंट्स के आधार पे होता है। डेबिट क्रेडिट करने के नियम हम अकाउंटिंग के आधार पे, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, इनमें डेबिट और क्रेडिट करने के अपने नियम हैं। पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों में अपने अपने क्या है? नियम है किसे हम डेबिट करेंगे, किसे हम क्रेडिट करेंगे, याद रखिएगा। ये सब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंट्स के प्रकार। अकाउंट्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अगर हम अकाउंटिंग के आधार पे बात करें तो बेसिकली तीन तरह के अकाउंट्स, और तीनों में डेबिट क्रेडिट के रूल है। पर्सनल अकाउंट में आप जो व्यक्ति बिजनेस से कुछ रिसीव करता है, रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जो व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। आने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, जो वस्तु बिजनेस में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, जो वस्तु बिजनेस से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, व्हाट गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में हम खर्चों को, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, याद रखें। तो बेसिकली हम अगर अकाउंट्स के आधार पर बात करें तो अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है? अकाउंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? खाते। देखिए, हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा आसान है। अकाउंटिंग को इंग्लिश में ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है, हिंदी ज़्यादा टफ, थोड़ा टिपिकल हो जाता है बेसिकली, ठीक है? पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते, व्यक्तियों के खाते, व्यक्तिगत अकाउंट्स। रियल अकाउंट यानी वस्तुगत अकाउंट्स, और नॉमिनल अकाउंट यानी अवास्तविक खाते, ठीक है? पाने वाले को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जो बिजनेस में बिजनेस को कुछ दे रहा है, देने वाले को हम हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जो बिजनेस में आने वाली वस्तु होगी उसे हम डेबिट करेंगे, और जो वस्तु जाने वाली होगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। खर्चे और जो लॉसेस हैं उन्हें हम डेबिट करेंगे, और आय को हम क्रेडिट करेंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल। इसे अकाउंटिंग का गोल्डन रूल भी कहा जाता है, ट्रेडिशनल रूल भी कहा जाता है। पूरी अकाउंटिंग इसी पर आधारित है, याद रखिएगा, ठीक है? दूसरा जो रूल होता है डेबिट और क्रेडिट करने का, वो होता है अकाउंटिंग के कॉर्नर्स या अकाउंटिंग के पिल्लर पर आधारित रूल। अकाउंटिंग में बेसिकली चार कॉर्नर या चार पिल्लर होते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग में कितने कॉर्नर या कितने पिल्लर होते हैं? चार। पहला, एसेट्स। एसेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संपत्तियां।
दूसरा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं? दायित्व। अब आपने अगर बैंक से कुछ लोन ले रखा है तो लाइबिलिटी, बैंक में पैसा जमा है हमारे खाते में तो हमारी एसेट है, हमारे पास कैश है तो हमारी एसेट है, हमारा ये मोबाइल हमारी एसेट, हमारा पर्स हमारी एसेट, हमारा लैपटॉप हमारी एसेट। तीसरा होता है एक्सपेंसेस, खर्चे, और चौथा होता है इनकम, आय। देखिए व्यापार में ये चार चीजें होती है, कौन कौन सी? एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम। ठीक है, अब इसमें भी डेबिट क्रेडिट के अपने नियम है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी डेबिट क्रेडिट के अपने रूल चलते हैं, किनको कब डेबिट करते हैं और किन किनको कब क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग पिल्लर्स कहलाते हैं, अकाउंटिंग कॉर्नर्स कहलाते हैं। अकाउंटिंग की पूरी बिल्डिंग इनके ऊपर ही आधारित होती है, अकाउंटेंट इन्हीं की रिकॉर्ड रखता है, एंट्रियां करता है, याद रखिएगा। ये सारे पिल्लर्स या कॉर्नर्स कहलाएंगे। डेबिट कब करेंगे हम और क्रेडिट कब करेंगे, तो ये ध्यान देना है। अगर बिजनेस में एसेट्स बढ़ रही है, बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर आप डेबिट करते हो, बिजनेस में एसेट्स को बढ़ने पर हम क्या करते हैं और घटने पे हम क्रेडिट करते हैं, घटने पर। लाइबिलिटी उल्टा है, लाइबिलिटी यानी बढ़ने पर आप उसे क्रेडिट करते हो, और जब भी लाइबिलिटी कम होगी आप किसी अपनी किसी लाइबिलिटी को पे करोगे तो आप उसे क्रेडिट करोगे, घटने पर उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। खर्चे, हमेशा खर्चे तो खर्चे होते हैं, होते ही हैं, तो बढ़ने पर आप इसे डेबिट करते हो, और खर्चे कभी घटते नहीं है, तो फिर भी लिख देता हूँ, घटने पर हम इसे क्रेडिट भी कर सकते हैं अगर कम हो रहे हैं किसी वजह से। इनकम, बढ़ने पर अपन डेबिट करते हैं, सॉरी क्रेडिट करते हैं, और घटने पर हम उसे डेबिट करते हैं। तो इनकम, और देखिए कई बार ये अकाउंटेंट को सवाल पूछे जाते हैं कि एसेट्स का नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, ध्यान देना। तो आपको ध्यान रखना, एसेट्स का नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस का भी नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट होता है, और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये याद रखना। ये चीजें देखो रटना नहीं है, हमें कभी भी ध्यान देना, रटने वाला इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा। रट्टा मार विद्या तो बोलते ना, कहीं ना कहीं अटक जाएगी। थ्री इडियट्स तो देखी होगी आप, वो स्टेज पे भाषण देता है, रट के जाता है। रटने वाला इंसान फेल हो जाता है, लेकिन समझने वाला इंसान जिंदगी में कभी फेल नहीं होता। अगर एक बार आपने किसी कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्लियर हो जाता है। और ये चीजें ऐसी है जो बारंबार बारंबार पढ़ने पर क्या हो जाती है, वैसे ही याद हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? याद हो जाती है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम आर्ट्स के, कॉमर्स, साइंस के हैं, हम तो कॉमर्स नहीं पढ़ा, हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, हमने ये किया वो किया। गलत फहमी होती, सबसे सरल सब्जेक्ट ही अकाउंटिंग का ही है, अकाउंटिंग ही है। बस अकाउंटेंट बनने के लिए आपको ये दोनों टेबल याद रखनी है, जिसने ये याद कर ली वो बन गया। अब देखो मैं आपसे वापस पूछ रहा हूं, इसको आंख मीच करके बोलना है, ठीक है? पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसे करते हैं? रिसीवर को। क्रेडिट किसे करते हैं? गिवर को। रियल अकाउंट में आने वाली वस्तुएं डेबिट, जाने वाली वस्तुएं क्रेडिट। खर्चों को हमेशा डेबिट करते हैं, इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं, कितना आसान। दूसरा, एसेट्स जब भी बिजनेस में आएगी या बढ़ेगी डेबिट करेंगे, जब जाएगी या कम होगी क्रेडिट करेंगे, याद रखिएगा। लाइबिलिटी बिजनेस में बढ़ रही है क्रेडिट करेंगे, उल्टा चलता है। लाइबिलिटी लाइबिलिटी एसेट और लाइबिलिटी वैसे ही एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, ठीक है? अच्छा एक सवाल है मेरा आपसे, एसेट्स यानी हमारी संपत्तियां, लाइबिलिटी यानी हमारे दायित्व, क्या ज्यादा होने चाहिए? आप किस क्या ज्यादा होंगे तो आप खुश होंगे, बताओ। तुम्हारे पास संपत्तियां ज्यादा हो तो तुम खुश होगे कि लाइबिलिटी ज्यादा या दायित्व ज्यादा है तो खुश होंगे? माथे ज्यादा है कि खुश है आदमी के, एसेट ज्यादा है तो खुश होता है आदमी, बताओ। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ऐसा कभी हो नहीं सकता
कि एसेट ज्यादा ना लाइबिलिटी कम, या लाइबिलिटी ज्यादा और एसेट कम। बिजनेस का एक रूल है, क्या एसेट्स और लाइबिलिटी हमेशा बराबर होती, इक्वल होती। बैलेंस शीट बनाते हो, उसमें एसेट साइड की टोटल, लाइबिलिटी साइड की टोटल बराबर आती है। तो ये तराजू है, बैलेंस है। जितनी बिजनेस के पास एसेट होगी, उतनी बिजनेस के पास लाइबिलिटी होगी, दायित्व होगा। लाइबिलिटी यानी दायित्व जो आपको लोगों को चुकाना है। एसेट्स यानी संपत्तियां जो जिस पर आप अपनी ओनरशिप क्लेम करते हैं। खर्चे यानी व्हाट इज खर्चे, व्हाट इज एक्सपेंस। हम एक्सपेंस किसे कहते हैं? यार मेरे तो बहुत सारा खर्चा हो गया, बोलते नहीं। खर्चे मतलब व्हाट? आपने अपनी बाइक के अंदर 500 रुपए का पेट्रोल डलवा दिया और जाके रणकपुर जी घूम के आ गए, और 500 ही रुपए का वो पेट्रोल खत्म हो गया। अब ये 500 रुपए का जो पेट्रोल डलवाया क्या है? खर्चा। खर्चा किसे कहते हैं? व्हाट इज खर्चा, व्हाट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस की क्या डेफिनेशन होती, बताओ? समझना बहुत जरूरी है। हम अपना खर्चा किससे मानते हैं? एक्सपेंस की ये डेफिनेशन होती है कि आपकी जेब से पैसा भी चला जाता है और बदले में आपको कुछ आता नहीं है। यानी वो 500 रुपए गए, खुशी आई वो अलग बात है, घूम के आए तो, पर उसको मॉनेटरी वे में नहीं मापा जा सकता। लेकिन आप सोचिए, आपको 5,000 रुपए दिए थे पेरेंट्स ने, आप गए मार्केट में मोबाइल दुकान पे गए, 5,000 रुपए का आपने कोई मोबाइल ले लिया, आप घर पे मोबाइल लेके आए, तो ये खर्चा नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें बदले में एक वस्तु आ रही है जिसकी अपनी कीमत है। हाँ ठीक है, उसको मार्केट में बेचने जाएंगे, शायद अब 5,000 कोई नहीं देगा, लेकिन उसकी वैल्यू तो है। तो जब हम पैसा किसी को खर्च करते हैं, किसी चीज पर पैसा स्पेंड करते हैं, और बदले में हमें कोई एक वैल्यू की कोई चीज मिलती है, या तो कोई अधिकार मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं, या कोई वस्तु मिलती है, उसे हम असेट कहते हैं। और बदले में कुछ नहीं मिला, पैसा दिया, खाया पिया भूल जाओ, तो दिस इज खर्चा। आप रोज अखबार घर पे लेते हो, अखबार खरीदना, अखबार वाला बिल ला के देता आपको, आप वो पेमेंट करते हो, वो आप उसे अपना खर्चा मानते हो, एसेट मानते हो? सर वो तो हमारी एसेट है। मैंने कहा कैसे? बोले अखबार की वो गड्डी इकट्ठा हो गई तो उसको बेचेंगे तो पैसे आएंगे। अरे वो रद्दी आएगी, रद्दी है वो, उससे पैसे आएंगे तो कोई ऐसा थोड़ी है कि जितने वैल्यू के अखबार खरीदे, 6 महीने के अखबार इकट्ठे किए, 6 महीने में आपने 3,000 रुपये अखबार वाले को पे किए, और 6 महीने के उस अखबार की रद्दी के आपको 20 रुपये मिल रहे हैं और खुश हो रहे हो, वो एसेट नहीं है, वो क्या है? खर्चा है। समझ रहे हो? लेकिन आप सोचिए कि आपने हर एक एक महीने में 1,000 रुपये बैंक खाते में डाले, 6,000 रुपये इकट्ठे हो गए, ये क्या है? एसेट्स। क्या ही है एसेट? संपत्ति। 6,000 रुपये आप किसी भी यूज में ले सकते हैं, नहीं लिया तो और बढ़ते जाएंगे समय के साथ साथ। नहीं, अगर हम सीधे सीधे तौर पे एसेट्स की डेफिनेशन देखें, याद रखिएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स यानी बिजनेस में संपत्तियां। लाइबिलिटी किसे कहते हैं? लाइबिलिटी यानी बिजनेस के दायित्व। बिना दायित्वों के संपत्तियां नहीं आ सकती, क्योंकि बिजनेस के पास था क्या जो संपत्तियां खरीद लेगा? लाइबिलिटी माथे करेगा तभी तो संपत्तियां खरीद पाएगा। तीसरा, एक्सपेंस। खर्चे करोगे तभी तो आय होगी। तो एक सीधा सा सिंपल सा रूल है, खर्च करोगे तो आय होगी, तो खर्चा तो करना पड़ेगा आप, खर्चे। और चौथा होता है इनकम। इसी के लिए तो सारा ये जंजाल बुना जाता है। बिजनेस आदमी क्यों करता है? आय के लिए करता है कि नहीं करता है? तो अगर आप पूरा अकाउंट देखिए, किसी भी व्यापार को समझना है, बिजनेस को समझना। बिजनेस क्या होता है? व्यापार। बिजनेस क्या होता है? व्यापार। अब आप व्यापार को समझिए। चलिए आप लोग ही मुझे आंसर देंगे, देखना। यार मैंने सोचा है कि अब मेरे पास क्या काम धंधे नहीं है, तो मैंने सोचा कि यार मेरे, मैं जब भी घर पे कोई गेस्ट गेस्ट वगैरह आते हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते चाय बना ले,
मेरे हाथ की चाय मेरे पेरेंट्स को भी अच्छी लगती है और उन गेस्ट को भी हमेशा ही तारीफ करते हो, तो मैं चाय अच्छी बनाता। तो अब मैं काम धंधे ढूंढ रहा था, काफी टाइम से काम धंधे मुझे मिले नहीं, तो मेरी माँ बाप ने मुझे बोला कि अन्ना वासी तो मतलब इससे अच्छा था तू चाय का ठेला खोल ले, चाय की दुकान खोल ले। आजकल दुकान ठेलों का जमाना चला गया, राइट। चाय की दुकान खोलनी है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा बताओ? डर लग रहा है? नहीं सुन, समझ में आ रहा है? खुल के रहने का या डरने का? नहीं, ठीक है, तो खा नहीं जाएगी अकाउंटिंग। बताओ चाय की दुकान खोलने के लिए मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि फतेह सागर के वहां पे जो बम्बैया बाजार लगता है, उस बम्बैया बाजार में मेरी भी एक आलीशान शॉप हो जिसमें मैं चाय कॉफी वगैरह सब बनाऊं। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? व्हाट आई वॉन्ट वेरी फर्स्ट, क्या करोगे आप? सोचो, आप मेरी जगह होते, आपको चाय की दुकान खोलनी होती फतेह सागर के वहां पे, तो आपकी क्या प्लानिंग होती? फाइनेंशियल प्लानिंग बताओ अपनी। अपन देखिए, सबसे पहले अपन फाइनेंशियल प्लानिंग पर बात कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, किसी भी बिजनेस को शुरू करने की प्लानिंग। बताओ क्या चाहिए होगा? चाय की दुकान लगानी है, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे? उसकी कॉस्ट निकालोगे, फतेह सागर पे दुकान लेनी है, उस दुकान को तैयार करवाना है, उसमें फर्नीचर करवाना है, उसमें काउंटर बनवाना है, उसमें वो सब ऑटोमेटिक कॉफी मशीन वगैरह लानी, चाय की मशीन लानी है, सब कुछ, टेबल कुर्सियां लेनी है, बोर्ड बनाना है, एलईडी बोर्ड बनाना, लाइट का बोर्ड बनाना, इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आप एक एस्टिमेट निकालोगे कि यार ये सब मिलाकर मुझे कम से कम भी 5 लाख रुपए चाहिए। हाउ मच आई रिक्वायर्ड? 5 लाख। लाऊं कहां से? लाऊं कहां से? मेरे मम्मी पापा ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि तारे जो मर्जी आए जो कर, हमारे पास कुछ नहीं है, तूने वैसे अभी तक रोटी तोड़े है। कहां से लाऊं अब मैं 5 लाख रुपए? सबसे पहली चीज होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट। बिजनेस में आपको पैसा चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? कैपिटल रिक्वायरमेंट, पूंजी की रिक्वायरमेंट। यहां लिख रहा हूं मैं फर्स्ट पॉइंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल यानी पूंजी, आपको कितनी पूंजी की जरूरत है? आप लोग एफएम, आप में से कोई बीकॉम में एफएम नहीं पढ़ाई है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपने पता लगा लिया कि आपको कितना कैपिटल चाहिए, जिस तरीके का बिजनेस खोल रहे हो उसमें आपको कितना चाहिए? 5 लाख चाहिए। अब सोचो, मैं तो बोलता है कि मैं तो अंबानी जैसी इंडस्ट्री लगाऊं, सोचने में तो मैं फिर बड़ा ही सोचूंगा ना, लेकिन उसके लिए मुझे उतना फंड भी चाहिए। तो मैंने अभी छोटा सोचा है कि 5 लाख चाहिए साहब। 5 लाख अगर होंगे तो मेरा धंधा एक बार शुरू हो जाना है, लेकिन है नहीं ना। तो बंदा क्या करता है, जो भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस का सपना देखता है, सपने में सबसे पहले वो अपना प्लान क्या बनाता है कि यार वो जिस तरह का बिजनेस खोलेगा उस बिजनेस में उसको कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, कितना पूंजी चाहिए। अब वो 5 लाख रुपए आपने पता कर लिया कि आपको चाहिए, लाओगे कहां से? बताओ कहां से लाओगे? अब मैं बताता हूं आपको, आप कहां से लाओगे। सोर्स ऑफ कैपिटल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ कैपिटल। अब पहला सोर्स तो मेरे मां बाप है, मेरे पिताजी है, पिताजी से भी ले सकता हूं। पिताजी से लेने का मतलब है कि भैया फिर तो देना ही नहीं उनको, क्योंकि अपना ही पैसा हो। अपने घर वाले जब हमें पैसा देते हैं तो हमारा ही पैसा होता है, नहीं? अच्छा, उनको देना नहीं, लेकिन उनकी भी तो उम्मीदें हैं कि इसका धंधा अच्छा चल जाएगा, बढ़िया, ये आगे कारोबार को बढ़ाएगा। तो वो पैसा भी आपने कहीं ना कहीं कॉस्ट पे लेके आए, क्योंकि आपको नहीं देते आपके पापा, तो वो उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते और उस पे उनको ब्याज मिलता, लेकिन उन्होंने आपको दिया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना नुकसान तो खाया ना। तो आदमी देखिए, सबसे पहले अपने माथे लाइबिलिटी करता है। क्या करता है? बिजनेस में सबसे पहले पहले लाइबिलिटी होती है। अब वो लाइबिलिटी खुद खुद के पैसे भी लगा सकता है,
मार्केट से कहीं से लेके आके भी लगा सकता है, बैंक से लोन लेके भी बिजनेस कर सकता है। तो लाइबिलिटी यानी आपको मांगना पड़ेगा सबसे पहले पैसा, और जिससे भी मांगोगे वापस उसको लौटाना पड़ेगा। घर वालों से मांगोगे तो हो सकता है ब्याज नहीं देना पड़े, देना तो पड़ेगा ना वापस कभी ना कभी, नहीं दोगे तो ऑब्लिगेशन हमेशा रहेगी। मात्र खुद के पास पैसा है तो खुद का पैसा लगाओगे तो खुद भी, तो एक तरह से देखिए बिजनेस का और उसके ऑनर का हमेशा अस्तित्व अलग अलग होता है। आज जैसे मैंने कॉमर्स हब शुरू किया तो कॉमर्स हब एक अलग एंटिटी और मैं एक अलग एंटिटी हूं। मैंने जितना पैसा कॉमर्स हब में लगा रखा है एक तरह से मैं कॉमर्स हब से उतना पैसा मांग रहा हूं। तो भले ही ऑनर पैसा लगा रहा है, कल को वो चाय की दुकान खोल रहा है बंदा, लेकिन उसने भी पैसा अपना लगाया तो भी वो उस बिजनेस से तो वो पैसा मांग रहा है क्योंकि उसने लगाया पैसा। तो लायबिलिटी, बिजनेस को सबसे पहले लायबिलिटी खड़ी करनी पड़ती है अपने ऊपर, कहीं से पैसा लाना पड़ेगा। जब आप लाओगे तो फिर आप उसे कहां इन्वेस्ट करोगे उस पैसे को? 5 लाख लेके आ गया, चलो बैंक ने दे दिए मुझे, अब मैं उससे क्या खरीदूंगा? लायबिलिटी के बाद दूसरा नंबर आप उसको कहां इन्वेस्ट करोगे? आप उससे क्या खरीदोगे? एसेट्स खरीदोगे, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? ये सब जो मैं अभी बता रहा था, फर्नीचर, फिक्सचर, टेबल चेयर, कॉफी मशीन, चाय मशीन वगैरह, ये सब चीजें मैं खरीदूंगा तभी तो बिजनेस चलेगा ना। तो वो एसेट्स है, संपत्तियां, लाइबिलिटी यानी दायित्व, देना है वापस ये पैसा आप जहां से लाए हो। और संपत्तियां यानी एसेट्स, जिससे आप वो एसेट्स खरीदोगे। एसेट्स आएगी कहां से? लाइबिलिटी होगी तो एसेट्स आएगी ना, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी एसेट। किसी भी बिजनेस के पास आज इतनी एसेट है, आज आप देखो, आप देखिए 5,000 करोड़ की शादी कर रहा है वो अपने बेटे की, अंबानी, तो उसने उतनी एसेट्स कहां से कमाई? लाइबिलिटी माथे की होगी तभी तो धीरे 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 एसेट्स बनाई है उसने। एसेट्स बड़ी है तो लाइबिलिटीज भी बड़ी होगी, खुद का कैपिटल भी बड़ा होगा। नहीं, और ऐसा तो नहीं कि आपने खाली एसेट लाके लगा दी और आपका बिजनेस चल जाएगा, आपको खर्चे भी करने पड़ेंगे। आपको चाय कॉफी के लिए माल मटेरियल भी लाना पड़ेगा, आपको पानी भी लाना पड़ेगा, पानी वाले को हायर करना पड़ेगा। आप रोज दूध लेके आओगे, कॉफी लाओगे, शक्कर लाओगे, चाय पत्ती लाओगे मार्केट से, एक दो वेटर रखने पड़ेंगे, लड़के रखने पड़ेंगे, सर्व करने वाले, धोने वगैरह वाले, तो आपको उनको सैलरियां भी देनी पड़ेगी। आपको वो फतेह सागर पे जो दुकान किराए पे ली उसका किराया भी देना पड़ेगा। आपको लाइट का बिल भी भरना पड़ेगा। आपको और भी कई तरह के अनसीन खर्चे होते हैं, ये सब खर्चे हैं कुछ करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे कि खाली बस एसेट लगा दो और बेटे बेटे पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, आपको खर्चा भी करना पड़ता है। तो तीसरा पहलू कौन सा होता है बिजनेस का? एक्सपेंस, खर्चे करने पड़ेंगे। और ये खर्चे क्यों करते हैं हम? किसकी उम्मीद में करते हैं बताओ? किसकी उम्मीद में खर्चे करते? ये सब आप क्यों कर रहे हो? इतना झंझट मारी क्यों कर रहे हो? आय कमाने के। खर्चों को व्यय भी कहते हैं, आय, इनकम। यानी आप देखिए ये एक सर्कल है, क्या है? किसी भी बिजनेस में सबसे पहले दायित्व जनरेट होते हैं, दायित्व जनरेट होने के बाद हम एसेट्स खरीदते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, खर्चे करते हैं, और फिर जाके इनकम आती है, रोटेशन चलता रहता है, और जरूरत पड़ने पर और लाइबिलिटी खड़ी करोगे। कंपनियां जो मार्केट में शेयर इश्यू करती तो क्या है, वो लाइबिलिटी माते कर रही है। पब्लिक से पैसा ले रही तो वापस देना भी तो पड़ेगा ना पब्लिक को, तो लाइबिलिटी जनरेट कर रही है और पैसे की जरूरत है इसलिए लाइबिलिटी खड़ी कर रहे हैं। तो आप जब मार्केट से पैसा लेके आते हो फिर आप उसे इन्वेस्ट करते हो एसेट्स में, फिर आप खर्चे करते हो, फिर इनकम बढ़ती है आपकी। ऑब्वियस सी बात है, जितनी कैपिटल जितना दायित्व उतनी एसेट, उतने आपके इनकम। जितना बड़ा व्यापार होगा उसकी इनकम ज्यादा होगी, जितना छोटा व्यापार होगा इनकम कम होगी। इनकम कम इसलिए होगी खर्चे भी कम किए, एसेट भी कम है, लाइबिलिटी भी कम है। छोटा व्यक्ति है, छोटा व्यापारी, तो लाइबिलिटी भी कम है। अब एक चाय वाले के माथे कितना माथे होगा यार? उतना तो नहीं होगा ना जितना एक इंडस्ट्री वाले ने ले रखा होगा बैंक से कर्जा। छोटा व्यापार छोटी लाइबिलिटी छोटी एसेट, बड़ा व्यापार बड़ी लाइबिलिटी बड़ी एसेट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये कॉपी में उतार लेना है, डेबिट क्रेडिट के नियम है। अब हम क्या करने वाले हैं ये भी बता देता हूं, अगली क्लास से हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, जैसे एक, ध्यान देना, फिर लिखेंगे उसकी एंट्री कि वो ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी, फिर लिखेंगे उसमें कौन कौन से अकाउंट या लेजर आए,
फिर लिखेंगे उसका ग्रुप, फिर लिखेंगे उसका वाउचर, ठीक है। ये अब मैं आपको एक एंट्री करके बताता हूं, सैलरी अकाउंट डेबिट, किसी को वेतन चुकाया 5,000 रुपए टू बैंक। अब इसमें दो अकाउंट आए, कौन कौन से? एक तो सैलरी और एक बैंक। किसी भी एंट्री में ये दो अकाउंट, सैलरी बिजनेस में क्या होती है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। इसका ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। और बैंक का ग्रुप क्या होगा? बैंक, टैली के नजरिए से बात कर रहा हूं, ये ग्रुप्स इन टैली, वाउचर्स इन टैली। और कौन से वाउचर में एंट्री होगी? F5 में होगी, पेमेंट की एंट्री। यहां पर पेमेंट किया आपने, तो ऐसे अब यहां पर हमें चर्चा करनी है इन सब पर, एंट्रियां कैसे बनती है, एंट्रियों में अकाउंट कैसे ढूंढेंगे, ग्रुप्स क्या होंगे और क्यों होंगे, और कौन से वाउचर में हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री के नेचर से हम वाउचर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये काम जिसको आ गया वो बंदा आराम से अकाउंटेंट बन सकता है। ये सिर्फ इतना सा, कितना क्या एंट्री करना, एंट्री में अकाउंट्स और उनके ग्रुप्स और वाउचर्स, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, लिख लेना आप, अब आप प्रैक्टिकल करिए। हाँ, एक मिनट।